प्रदेश के सुकमा जिले में हुई आफत की बारिश ने जमकर मचाई है तबाही। बता दें कि करीब 37 साल बाद सुकमा जिले के कोटा ब्लॉक में बाढ़ की विकराल स्थिति देखने को मिल रही है और वहां पर 400 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अभी भी कई इलाकों में अच्छी बारिश के है इंतजार। जी हां, मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून की बेरुखी की वजह से औसत से कम बारिश हुई है। राज्य में विभिन्न जिलों में 1 जून से 24 जून तक रिकॉर्ड की गई बारिश के मुताबिक गोरेला पिंडा मरवाही जिले में सर्वाधिक जो कि 181.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सरगुजा जिले में सबसे कम जो कि 47.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं भारी बारिश के चलते बालोद जिले से एक बड़ी घटना सामने आ रही है दोस्तों, जिसमें नीट की परीक्षा देकर वापस लौट रहे पुत्र और पिता नाले के तेज बहाव में फंस गए। पिता किसी तरह से नाले से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन पुत्र तेज बहाव में बह गया। दरअसल मामला कांकेर जिले के चरामा तहसील के ग्राम चिनोरी निवासी उमेश दर्रो ने बताया कि नीट की परीक्षा के लिए अपने बेटे के साथ दुर्ग गए हुए थे। वापसी के दौरान रात तकरीबन 8 बजे ग्राम साकरा और बरही में मध्य सेमरिया नाला को पार करते समय बीच में स्कूटी बंद हो गई, जिसके चलते नाले में पानी के तेज बहाव से उमेश किसी तरह से बाहर निकल पाया, लेकिन पुत्र और स्कूटी तेज बहाव में बह गए। बेटे की तलाश के लिए उन्होंने ग्रामीणों की मदद से नाले में तलाश की, लेकिन पुत्र कहीं नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस पुत्र की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसा ही और नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।